हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम राजपूती कुर्ती के चाक पर मगजी लगाना और कोने बनाना सीखेंगे। यहाँ पर हमने कुर्ती पर, गले पर और आर्मोल पर मगजी लगा ली और कुर्ती की फिटिंग भी कर ली है और कुर्ती की चाक की कटिंग भी कर ली है। इस सूट की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, हमें चाक पर मगजी लगाने के लिए कुर्ती का पीछे वाला कोई सा भी कोना ले लेना है। यहाँ पर हमने ये फोल्डिंग वाली मगजी बना रखी है। कुर्ती के पीछे वाले कोने से हमें लगाना स्टार्ट करना है। कोई सा भी कोना आप ले सकते हो। कुर्ती को इस तरीके से सीधी कीजिए और यहाँ पर हम मगजी लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले आप गुणे को एक साइड में फोल्ड कर दीजिए। अगर इस तरीके से नहीं हो रहा है तो गुणे को फोल्ड करके आयरन भी कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें 1 इंच मगजी एक्स्ट्रा रखनी है कोना बनाने के लिए और मगजी लगाना स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमें सिलाई में कपड़ा ज़्यादा नहीं लेना है, लगभग 1/4 इंच कपड़ा ही आप सिलाई में लीजिएगा। और गुणे पर जो हमने सिलाई लगाई है मगजी के ऊपर, उसके पास पास में हमें सिलाई लगानी है। जितना बारीक या मोटा गुणा आपको चाहिए उतनी दूरी पर आप सिलाई ला सकते हो। अब देखिए, कोना बनाने के लिए हमें थोड़ी देर पहले ही सिलाई रोक देनी है। जितना कपड़ा हमारा दूसरी साइड में जाएगा उससे पहले हमें सिलाई रोक देनी है, ठीक है। मशीन के नीडल को अंदर की ओर डालना है, फिर इस तरीके से कुर्ती को अपनी तरफ घुमाना है और फिर मशीन का जो फुट है उसे बाहर की ओर निकालिए। गुणे को फोल्ड कीजिए, मगजी को पीछे की तरफ ले जाइए। 1 उंगली के बराबर कपड़ा रखिए और मगजी को फिर से अपनी तरफ लेकर आ जाइए और जहां से हमने सिलाई रोकी थी जस्ट उसी के पास में से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है, ये इस तरीके से, लेकिन अपनी तरफ साइड से। और फिर हमें मगजी लगाना वापस से स्टार्ट कर देना है। यहीं तक हमारा काम खत्म नहीं होता है कोने बनाने का, अभी आगे और भी काम होगा तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फिर यहाँ पर हमें मगजी लगाना फिर से स्टार्ट कर देना है। इसमें देखिए, जो सिलाई है फिटिंग की, वहां पर हमें कोई भी कोना नहीं बनाना है, सीधी मगजी लगा देनी है। जो भी कपड़ा हमने सिलाई में लिया है उसे ऊपर की ओर कर दीजिए और एकदम सीधी मगजी लगा दीजिए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर चुन्नट नहीं आनी चाहिए। अब मैं आपको एक बार और फिर से कोना बनाना दिखा देती हूँ पूरा डिटेल से। कुर्ती के कोने अगर अच्छे से बन गए तो कुर्ती का लुक काफी अच्छा आ जाता है। गुणा भी एकदम बराबर निकालिएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमें पहले ही मशीन रोक देनी है, जितना कपड़ा हमारा दूसरी तरफ जाएगा उससे पहले, ठीक है। फिर मशीन के नीडल को अंदर की ओर डालिए, कुर्ती को इस तरीके से घुमा दीजिए, फिर मशीन के फुट को बाहर निकाले, गुणे को फोल्ड कीजिए, पीछे की तरफ ले जाइए मगजी और 1 उंगली के बराबर कपड़ा रखते हुए फिर से मगजी को फोल्ड कर दीजिए अपनी तरफ। यहाँ पर ज्यादा भी कपड़ा नहीं रखना है वरना कोने से बाहर की ओर कपड़ा दिखेगा। अब देखिए, पूरी यहाँ से सिलाई लगानी है जितनी हमने दूसरी तरफ से रोकी थी उससे जस्ट पास में। ये देखिए, सिलाई इस तरफ है और ये दूसरी तरफ, दोनों एकदम पास में होनी चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं रहना चाहिए कुर्ती को। जब हम इस तरीके से मगजी को खोलेंगे तो कोना एकदम नुकीला बनेगा और जो हमने कपड़ा अंदर की ओर मगजी के लिए लिया था कोना बनाने में, तो वो इतना लेना है कि वो मगजी से बाहर की ओर ना दिखे। इसीलिए हम 1 उंगली के बराबर ही कपड़ा लेते हैं, अगर ज्यादा दिखेगा तो कोना अच्छे से नहीं बनेगा इसलिए। अब हमें पूरी कुर्ती पर मगजी लगा देनी है। लास्ट में थोड़ी मगजी एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा मगजी इसलिए रखनी है ताकि कोना फोल्ड कर सके। अब देखिए, जो हमने सिलाई लगाई है इससे हमें तिरछी सिलाई लगानी है कोने के बाहर की ओर आती हुई, एकदम नुकीली होनी चाहिए कोना, ठीक है। सभी कोनों पर इस तरीके से तिरछी सिलाई लगा दीजिए ताकि कोना एकदम अच्छे से बन जाए। उसके बाद हमें मगजी का जो कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है फोल्डिंग के लिए वो फोल्ड कर देना है और फिर ऊपर की ओर सिलाई लगाएंगे तो कोने पर एक सिलाई और लगानी होगी। उसके बाद हमारा कोना एकदम परफेक्ट बनेगा। देखिए, सारा जो भी कपड़ा हमने फोल्डिंग में लिया था उसे फोल्ड कर दिया है, उसे एक साइड में कर देना है। कोने पर जो हमने कपड़ा लिया है उसे भी एक साइड में कर दीजिए और 1/4 इंच दूरी पर सिलाई लगानी है। अब देखिए, कोने में जो कपड़ा लिया था उसे दबाने के लिए उसके ऊपर की ओर मगजी पर एक सिलाई लगा दीजिए ताकि सारा जो कपड़ा है वो अच्छे से दब जाए और यहाँ से कोने पर से मगजी उठी उठी सी ना दिखे। देखिए, एकदम परफेक्ट कोना बनाना है, बाहर से एकदम नुकीला होना चाहिए और अंदर की तरफ देखिए बिल्कुल भी कपड़ा बाहर की ओर नहीं दिख रहा है। और यहाँ साइड में भी देखिए बिल्कुल भी चुन्नट नहीं आई है। कपड़े को इस तरीके से फैलाते हुए सिलाई लगा दीजिए, गोलाई अपने आप आ जाएगी यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से। सभी कोनों पर इसी तरीके से सिलाई लगाने के बाद हमारी कुर्ती रेडी है। आप देख सकते हैं कहीं से भी कपड़ा बाहर की ओर नहीं है और कोने भी एकदम अच्छे बने हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी कोई वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे।